सनातन संस्था 21 मई को मुंबई में हिंदू एकता शोभा यात्रा निकालेगी। इसमें नई मुंबई, थाने, रायगढ़ एवं पालघर जिलों से हिंदूवादी संगठन, सामाजिक संस्थाओं और संप्रदायों के सैकड़ों प्रतिनिधि और सदस्य हिस्सा लेने वाले हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता चेतन राजहंस ने बताया कि सनातन संस्था के संस्थापक डॉक्टर जयंत जी आठवले के 80वें जन्म जयंती पर इस शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। इसमें शोभा यात्रा के जरिए हिंदू समाज के विविध घटकों, संप्रदायों और समुदायों को संगठित और एकजुट करने का लक्ष्य है। चेतन राजहंस ने शोभा यात्रा को लेकर और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। हिंदू एकता शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। सनातन संस्था के संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी, इनका इस वर्ष 80वां जन्मोत्सव है और इसी उपलक्ष्य में उन्होंने जो हिंदू संगठन का विचार दिया था, उससे प्रेरित होकर मुंबई में इस हिंदू एकता शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। मुंबई, थाना, रायगढ़ और पालघर, इन जिलों के हिंदू संगठन, देशभक्त संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, आध्यात्मिक संस्थाएं, विभिन्न प्रकार के धार्मिक संप्रदाय इस शोभा यात्रा में सहभागी होंगे। इस शोभा यात्रा में पारंपरिक वेशभूषा होगी, वारकरी संप्रदाय के भजनों का समावेश होगा, विभिन्न संप्रदायों के नामजप का समावेश होगा और मुंबई की जो ग्राम देवता है श्री मुंबा देवी, उसकी पालखी का भी आयोजन होगा। 21 मई को शाम 5 बजे ब्राह्मण सेवा मंडल चौक दादर पश्चिम से इस शोभा यात्रा का प्रारंभ होगा और शिवाजी पार्क में इसका समापन होगा। मैं मुंबई, थाना, रायगढ़ और पालघर जिलों के सभी हिंदू समाज के प्रतिनिधियों को और धर्मवान हिंदुओं को आह्वान करता हूं कि वे इस मुंबई की हिंदू एकता शोभा यात्रा में सहभाग लेकर हिंदू एकता का प्रदर्शन करें। समझिए कि हिंदू समाज जब सुरक्षित होगा तो उसके लिए उसका संगठन आवश्यक है और इसीलिए मैं सभी को पुनः आह्वान करता हूं कि 21 मई को शाम 5 बजे दादर पश्चिम में हिंदू एकता डिंडी के लिए पहुंचिए। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।